नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। सबसे पहले भगवान धम्म संघ को वंदना करता हूँ। परम पूज्य बड़े बंते जी को वंदना करता हूँ और सभी उपासक उपासिकाओं को आज के धम्म प्रोग्राम में स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक सूत्र की। भगवान बुद्ध ने बताया उस सूत्र को इति उत्तकामे। त्रिपिटक का एक छोटा सा भाग है, उसमें आता है एक पुस्तक, उसका नाम है इति उत्तका। उसमें भगवान बुद्ध ने एक सूत्र, बहुत सुंदर सूत्र बोला है। सूत्र का नाम है क्रोध परिज्ञ सूत्र, क्रोध को संपूर्ण रूप से समझना जानना। तो सूत्र में भगवान कहते हैं, क्रोधं भिक्खवे अनविजानं अपरिजानं तथा चित्तं आविरजायं अपजाहं अबब्भो दुःखखयाय। मतलब है भिक्षु लोग, क्रोध को नहीं समझना, नहीं जानना और परिपूर्ण रूप से नहीं समझना, चित्त का खत्म होना, चित्त को छोड़ देना, दुख का खत्म होने का पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। दुख को खत्म होने का पॉसिबल संभव नहीं है। क्रोध ओ भिक्षु लोग, फिर भगवान कहते हैं ओ भिक्षु लोग, लेकिन जब क्रोध को जान रहा है, संपूर्ण रूप से कोई समझता है, उस चित्त को खत्म करना, छोड़ देना, त्याग करना, दुख का खत्म करना संभव है। तो भगवान, ये अर्थ भगवान बुद्ध ने कहा था, इस अर्थ को भगवान बुद्ध ने कहा था। और भगवान ऐसा कहते हैं, ये न कोदे न कुद्दा से सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। जो व्यक्ति क्रोध से कोप होता है, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति, वह प्राणी दुर्गति में जाता है। इदं कोदं समादन्याय सम्मदन्याय पजहन्ति विपस्सिनो। जो समाधि करते हैं, जो मन को बढ़ाते हैं, समाधि करते हैं, वो लोग जब इस दुख, इस क्रोध को संपूर्ण रूप से समझ लेते हैं, वो उसको, क्रोध को छोड़ देते हैं। पहायन पुनायन्ति इमं लोकं कुदाचनन्ति। तो क्रोध को पूरा छोड़कर वो दोबारा नहीं आता है इस संसार में। तो ऐसा भगवान बुद्ध बोले थे और ऐसा मैं सुना था, मतलब इस सूत्र में बताया है। तो अभी इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान क्या बता रहे हैं। कि अगर कोई भिक्षु लोग, अगर कोई क्रोध को नहीं जानता है, परिपूर्ण रूप से नहीं समझता है, तो इस चित्त को ख़त्म नहीं कर सकता है, इस चित्त को ख़त्म नहीं करता है, चित्त को नहीं त्यागता है, तो दुख का ख़त्म नहीं होता है, दुख का ख़त्म होना असंभव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब क्रोध आता है तो क्रोध को हम नहीं जानते हैं, हम अवेयर नहीं होते हैं, हमको जानकारी नहीं रहता है, हम उसको नहीं समझते। कैसे नहीं समझते हैं? कि भगवान ने बताया है सतिपट्ठान सूत्र में, सदोसंग व चित्तं सदोसंग चित्तंति पजानाति वितदोसंग व चित्तं वितदोसंग चित्तंति पजानाति। कि जब द्वेष आता है, गुस्सा आता है, तो गुस्सा आ गया, उसको समझना, उसको जानना, जानकारी रहना, हाँ गुस्सा आ गया है। अब वो गुस्सा आ गया, एक
गुस्सा का रहना दो, उसको समझना, और गुस्सा का खत्म होना समझना, कि गुस्सा आया कुछ देर तक रहा और खत्म हो गया चित्त में। द्वेष चित्त पैदा हुआ कुछ समय तक रहा और खत्म हो गया, उसको समझना। तो यहाँ में जिस संबंध में भगवान बता रहे हैं वो ये है कि हम क्रोध को नहीं समझते, कि क्रोध तो आता है कुछ समय तक रहता है और खत्म हो जाता है। हम इसको नहीं समझते हैं, हम इसको पूर्ण रूप से नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। इसीलिए क्रोध का, चित्त का खत्म हो जाना, यानी कि क्या क्रोध का, इस संबंध में क्रोध का खत्म होना, त्याग करना, तभी दुख का खत्म होना संभव है। अगर हम क्रोध आ गया है उसको नहीं समझ रहे, उसका आते ही नहीं समझ रहे, वो कितना समय तक रहता है उसको नहीं समझ रहे, और चला जाता है, खत्म हो जाता है, उसको नहीं समझ रहे, तो इस चित्त का, क्रोध दोष चित्त का खत्म होना, त्याग होना, दुख का नष्ट होने का संभव नहीं है। दुख को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं तब तक। तो हम तभी नष्ट कर सकते हैं जब हम दुख का आना और दुख का उत्पत्ति भी कुछ समय तक रहा और वो खत्म हो गया, उतना अगर हम समझ रहे, परिपूर्ण उसकी जानकारी रख रहे, तब द्वेष चित्त की, द्वेष चित्त का खत्म होना, त्याग होना हम समझ सकते हैं। और ये दुख का खत्म होने की संभावना है, दुख खत्म कर सकता है एक व्यक्ति। तो नीचे जो गाथा में भगवान बोले हैं वो ये बोले हैं कि कोई व्यक्ति जब क्रोध आने से कुपित हो जाता है, तो ऐसे प्राणी, सत्ता यानी कि प्राणी लोग, मनुष्य लोग, हम लोग सभी लोग दुख भोगते हैं, दुख में पैदा होते हैं, और जो क्रोध को संपूर्ण रूप से समझ लेता है, संपूर्ण रूप से समझकर उसको त्याग देते हैं, वो समाधि, जो समाधि बढ़ाते हैं वो लोग, ज्ञानी लोग। और जो क्रोध को छोड़ दिए हैं, क्रोध को छोड़कर वो कभी भी इस संसार में दोबारा नहीं आते, तो ये भगवान बताते हैं। अभी हमको क्रोध आता क्यों है, इसके कारण बताए गए हैं। तो सबसे पहले उनका कारण समझेंगे कि ऐसे बहुत से कारण हैं, उनमें से कुछ कारण आपको बताते हैं। जैसे कि फलाने व्यक्ति ने हमको हानि पहुंचाया था, उसकी वजह से हमको क्रोध आता है। फलाना आदमी हमको, मुझे हानि पहुंचा रहा है, उसकी वजह से हमको क्रोध आता है। फलाना व्यक्ति मुझे हानि पहुंचाएगा, उसकी वजह से हमको क्रोध आता है। फिर उसके बाद फलाना व्यक्ति हमारे सगे संबंधियों को हानि पहुंचाया था, उसकी वजह से हमको क्रोध आता। फलाना व्यक्ति हमारे सगे संबंधियों को तकलीफ पहुंचा रहा है, उसकी वजह से हमको क्रोध आता है। फलाना व्यक्ति हमारे ज्ञाति सगे संबंधियों को तकलीफ पहुंचाएगा, उसकी वजह से हमको क्रोध आता है। फिर उसके बाद और भी कारण है। फिर उसके बाद फलाना व्यक्ति हमारे दुश्मनों का शुभचिंतक है, कुछ अच्छा किया है, उसकी वजह से हमको क्रोध आता है। फलाना व्यक्ति हमारे दुश्मनों को अच्छा करता है, इसकी वजह से हमको क्रोध आता है।
फलाना व्यक्ति हमारे दुश्मनों को या मेरे दुश्मनों को अच्छा करेगा, इसकी वजह से हमको क्रोध आता है, दुख क्रोध आता है, गुस्सा आता है। फिर और हमको क्यों क्रोध आता है? ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा गर्म होने से हमको क्रोध आ सकता है, तो उसकी वजह से हमको क्रोध आता है। ज़्यादा गर्म है, हम ज़्यादा गर्म है तो हमको गुस्सा आता है। ज़्यादा ठंडा है, ठंडी की वजह से हमको गुस्सा आता है। हवा बहुत तेज़ चल रहा है, उसकी वजह से हमको गुस्सा आता है। या बारिश हो रही है, उसकी वजह से भी गुस्सा आता है। तो ये गुस्सा के कारण है, इसकी वजह से हम लोगों को गुस्सा आता है, इन कारणों की वजह से हमको गुस्सा आता है। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब खाली पेट है तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। तो इस क्रोध से छूटने के लिए भगवान बुद्ध ने जो उपाय बताया है, गुस्सा को जानना, गुस्सा को समझना, परिपूर्ण रूप से समझना, तभी क्रोध का खत्म होना, त्याग होना, दुख का संभव है, दुख का अंत करने का तभी संभव है। अगर जब तक हम क्रोध को नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है, तब तक दुख का खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो जैसे हम लोग मन को बढ़ाते हैं, अगर मन को बढ़ाते हैं, मन को शांत करते हैं, तब उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं मन को। जैसे कि भगवान बुद्ध ने चित्त अनुपासना में चार सतिपट्ठाना में से एक चित्त अनुपासना भी बताया, मन को समझना, मन को आधार बनाना सती का। उसमें सती से चित्त में क्या उत्पत्ति हो रहा है, द्वेष का उत्पत्ति हो रहा है या लोभ का उत्पत्ति हो रहा है, द्वेष का उत्पत्ति हो रहा है या मोह का उत्पत्ति हो रहा है, हैं? अभी द्वेष नहीं है या द्वेष नहीं है या लोभ नहीं है या मोह नहीं है, उसको समझना। अभी हमको लोभ आया तो लोभ को समझना, हाँ अभी लोभ आया, कुछ क्षण तक है और ये खत्म हो गया। अभी दोष आया, कुछ क्षण तक है, ये खत्म हो गया, द्वेष भी खत्म हो गया। अभी मोह आया, कुछ क्षण तक है, ये भी खत्म हो गया। तो इसको समझना, इसको समझना, ये माया है, इसको समझना बहुत बढ़िया से, चित्त की माया है, मन की माया है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो दुख का नाश नहीं कर सकता, दुख का नाश होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है दुख का नाश होना, कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसको समझना ही दुख का रास्ता भगवान बुद्ध ने बताया। जैसे क्रोध आया उसको समझना, कितना समय तक है क्रोध उसको समझना, खत्म हो गया उसको समझना, इस चीज़ को भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे से भिक्षुनी लोगों को, उपासक लोगों को, उपासिका लोगों को ये उपाय दिए हैं, यंत्र दिए हैं, मेथड दिए हैं हमको, कि हम इससे मुक्त हो सकते हैं, इससे छूट सकते हैं। तो बहुत सुंदर एक अट्ठकथा में गाथा मिला है, उसमें बोलते हैं, क्रोधं चित्वा सुखं सेति, क्रोध को नष्ट करके सुख से सोते हैं, एक व्यक्ति सुख से सो सकता है। क्रोधं चेत्वा न सोचति, अगर कोई व्यक्ति क्रोध को खत्म कर दिया है, पता है बिना शोक के, मन में कोई उसका शोक नहीं रहेगा। क्रोधस्य विषमूलस्य मधुरग्गस्य ब्राह्मणः, क्रोध का विष मूल है, जो उसकी रूट है, जड़ है, वो विष का जैसा है, वो विष है। और जो ऊपर का है वो मधु का जैसा है। तो अगर कोई व्यक्ति
जो क्रोध को ख़त्म कर देता है तो वो आराम से सो सकता है। और जब कोई व्यक्ति क्रोध को ख़त्म कर देता है तो वो बिना शोक के रह सकता है, वो बिना शोक के रहता है। और क्रोध का जो जड़ है वो विष का जैसा है, और जो उसके ऊपर फल है, जो क्रोध के ऊपर है, क्रोध से परे है, वो यानी कि मैत्री, वो मिठास है, सबसे मधुर है। जो ऊपर में है वो मधुर है, जो मधुर है यानी कि अर्थात वो मैत्री है, ऐसा ये गाथा में कहा गया है। अभी बहुत से ऐसे उपासक हैं, हम लोग सभी लोग ऐसी तकलीफें देखते हैं, जो सील से बहुत अच्छे हैं, अपनी सील अच्छे से मेंटेन करते हैं, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोध जागता है, काबू नहीं रहता क्रोध के ऊपर, गाली दे देते हैं, चिल्लाते हैं, किसी को पीट भी देगा, तो इतना गुस्सा आता है। तो इस क्रोध को, इस गुस्सा को शांत करने का भगवान ने मेथड्स दिए हैं, मिथ्या भावना भी दिया है भगवान बुद्ध ने। मैत्री बढ़ाना, पहले अपने आप को मैत्री करना, अपने गुरु जी को मैत्री करना, फिर उसके बाद माता पिताजी को मैत्री करना, सगे संबंधियों को मैत्री करना, फिर उसके बाद जो व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपका हित प्रेम भी नहीं है और उनके प्रति आपको गुस्सा भी नहीं है, तो उनको मैत्री करना, फिर अंत में जिनसे आपकी नहीं पड़ती है, जिनसे आपकी नोकझोंक होती है, यानी कि जो आपके दुश्मन हैं उनको करना। सबसे पहले मैत्री भावना करते समय अपने हंसमुख को देखना, स्माइल, मुस्कुराते हुए चेहरा को देखना, फिर अपने आप को मैत्री करना कि मैं सुख से रहूं, मैं शांति से रहूं। मेरा कल्याण हो, ऐसे ही मैं सुखी से रहूं। फिर अपने आचार्य लोगों को करना, पिताजी लोगों को करना, एकदम मुस्कुराते हुए चेहरा देख के। तो मैत्री भावना एक तरीका है क्रोध को हटाने का। क्रोध से छुट्टी नहीं है, सिर्फ कुछ समय तक हटा जरूर सकते हैं अगर अच्छे से मैत्री भावना करते हैं तो। और जैसे ही मैत्री भावना कुछ समय के लिए आपने बंद कर दी तो क्रोध दोबारा फिर आ जाएगा। तो मैत्री भावना करने से कुछ समय के लिए ही जाएगा, परमानेंटली नहीं जाएगा। अगर आप हमेशा चलते पीते बैठते लेटते समय में भी, अगर आप बोलते समय में भी मैत्री कर रहे हैं, तब तक आप काबू में हैं, आप क्रोध को काबू में रख सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता है। जैसे ही आपका मेडिटेशन ख़त्म हुआ या आप मैत्री भावना से, मैत्री भावना करना आपने छोड़ दिया, तो दोबारा आ सकता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस समाधि करना छोड़ दिया। वहीं पे एक और समाधि है जिसमें भगवान बोलते हैं कि अच्छे से जानो कि क्रोध आया, कुछ समय तक रहा और ख़त्म हो गया। जैसे जैसे कि चित्त चित्तानुपासना में भगवान बुद्ध ने बताया कि क्रोध का आना कुछ समय तक है, ख़त्म होना समझना, हाँ ये आया, ये ख़त्म हो गया, देखना क्रोध है या नहीं है। हाँ नहीं है, अगर है तो कुछ समय तक है, वो ख़त्म हो गया, अनित्य है ये, अनिच्छा है ये, अनिच्छा है ये, अनिच्छा है, अनित्य है, उसको समझना। क्रोध नहीं है तो मन को देखना, मन को टटोना, अंदर देखना, हाँ अभी क्रोध नहीं है, तो अभी क्रोध नहीं है। फिर कोई चित्त है या नहीं, जैसे कि लोभ चित्त है या नहीं,
द्वेष चित्त है नहीं, मोह चित्त है नहीं, उसको समझना, इनका होना इसको भी समझना, इनका ना होना उनको भी समझना। तो यही भगवान ने उपाय बताया, इससे ही मुक्ति हो सकता है, इससे ही निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं। सतिपट्टन सूत्र में भगवान बताते हैं। तो हम लोगों को, सभी लोगों को इसका अनुसरण करना है, हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बढ़ाना है, साधना करना है। तो इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुशी से रहें और भगवान बुद्ध का धम्म संघ का आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर रहे। नमो बुद्धाय।